सो हे गाइस, आज की वीडियो भी एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है हमारी MI बैंड से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि MI बैंड HRX की टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप कॉल एक ही बटन से म्यूट कर सकते हो, काट सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हों। और आपको अगर कोई व्हाट्सएप आया है तो सिर्फ व्हाट्सएप का आइकन नहीं, व्हाट्सएप का मैसेज भी लिखा हुआ आएगा। अगर आपके फ़ोन में गाना बज रहा है तो आप अगला चेंज कैसे ट्रैक करें, प्ले पॉज कैसे करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाके ये ऐप डाउनलोड करना होगा MI बैंड मास्टर के नाम से। इसे इंस्टॉल करने के बाद अपने मी फिट ऐप में जाइए और ऐप अलर्ट्स में जाकर उन्हें ऑफ कर दीजिए। ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर उस पर भी नोटिफिकेशन आएंगे और इस पर भी नोटिफिकेशन आएंगे तो दोनों आपस में क्रैश हो जाएंगे और फिर दोनों ऐप बार बार क्रैश होते रहेंगे। वैसे भी वो एक थर्ड पार्टी ऐप है तो थोड़ा हो सकता है इधर उधर। अब बैक जाइए। ये दोनों स्टेप करने के बाद आप जाइए मी बैंड मास्टर में। मैं आपको पहले ही बता दूं, एक पेड ऐप है पर इसका फ्री वर्जन भी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रो खरीदिए। देखिए, मैंने भी प्रो नहीं खरीद रखा है, मैं भी फ्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम गरीब हैं। फिर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप कॉल्स को एक ही बटन से म्यूट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए, बटन एक्शंस पर जाइए। देखिए, मैंने कोई भी नहीं लगा रखा है अभी मैं आपके सामने लगाऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा। ऐड पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा होगा टैप वन नो प्लस नो। अब इस पर क्लिक करते हैं हम। एक्शन ड्यूरिंग कॉल, आप ये देख सकते हैं एक्शन ड्यूरिंग कॉल। इसे मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैं अक्सर कॉल नहीं उठाता, म्यूट कर देता हूँ। म्यूट कर दिया है, आप देख सकते हैं एक्शन म्यूट हो गया है। और याद रखिए, आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और मी फिट भी होना चाहिए। ये करने के बाद अब मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मेरा फोन बज रहा है और इस पे भी आ रहा है। अब मैं इसका ये बटन दबाऊंगा तो वो म्यूट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने सेट किया था। देखा, ये अभी भी बज रहा है और इस बटन का इस्तेमाल करके हमने उसे म्यूट कर दिया है। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों पे इस बटन को सेट कर सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट करना हो, डिक्लाइन करना हो, अगर आपको किसी से डर लगता हो, आपको ना उठाना हो तो। फिर अब एक्शन ड्यूरिंग कॉल को छोड़ के हम एक्शंस में जाते हैं। एक्शन में मैं प्ले एंड पॉज करता हूँ। ये सब भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ये सारे मैंने ट्रैक कर रहे हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डम सब। मैं आपको प्ले पॉज करके दिखाता हूँ। अब देख, प्रीवियस ट्रैक, सॉरी, प्ले पॉज, मैंने प्ले पॉज पे कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक्शंस करने में थोड़ा लैग होता है जब आप बटन दबाएं, तो एक सेकंड तो लगता है उसे फ़ोन में सेट होने के लिए। अब देखो, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। गाना बज रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं बटन दबाता हूँ, वो प्ले पॉज हो गया। अब और चीज़ें करके दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें मी बैंड मास्टर में गए हम, एक्शंस तो हमने बता दिए। ऐसे ही आप एक एक्शन पे ये हो सकता है, आपको दो डालने हैं, क्लिक कीजिए, टैप टू आ जाएंगे। दो क्लिक पे जैसे आपको डिक्लाइन करनी है, डिक्लाइन कर दीजिए। दूसरा एक्शन लगाना है, दूसरा एक्शन लगा दीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। अब मैं जाता हूँ
यहाँ से अब मैं आपको व्हाट्सएप का बताता हूँ। व्हाट्सएप के लिए आप गए ऐप्स में। ऐप्स में देखिए मैंने कोई नहीं लगा रखा, मैं आपके सामने सब लगाऊंगा ताकि आपको पता चले। मैंने प्लस किया, अब मैं जाता हूँ व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप अब मैं ये डीलर बिफोर नोटिफिकेशन आप कर दीजिए, 2 सेकंड तक कर दीजिए। और ये नोटिफिकेशन टाइप अगर आपको सिर्फ आइकन चाहिए तो वो आपको डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। मैं कर देता हूँ इसे टेक्स्ट नोटिफिकेशन, नहीं नोटिफिकेशन कंटेंट्स कर देते हैं, जिससे कि आप जो व्हाट्सएप आएगा उसका मैसेज भी आएगा, मैसेज भी दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं अपने आपको एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजता हूँ। वेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आया था, सॉरी कि थोड़ा जल्दी निकल गया, बट इससे प्रूव होता है कि ये चलता है, तो डिसलाइक करने का कोई काम बनता नहीं है तुम्हारा। और वैसे ही तुम अब और कर सकते हो व्हाट्सएप की बजाय, जैसे कि अब मैं यूट्यूब डाल सकता हूँ। वैसे वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊँगा, ये सब ये सारे ऐप चलते हैं। अगर इसमें कोई ऐप नहीं आ रहा तो आप शो ऑल ऐप्स कर सकते हैं। ये इसके मेन थे। अलार्म में तो आपको उसमें भी लग जाता है, मी फिट डिफ़ॉल्ट ऐप में। अब जो कि ये बात आती है कि ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो ये थर्ड पार्टी ऐप ही है, आप क्या करें। डिफ़ॉल्ट मी फिट ऐप में तो Xiaomi ने इतने ऑप्शंस नहीं दे रखे, तभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आ रहे हैं और हमें। और ये सब अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कर सकते हैं तो ये Xiaomi को भी करना चाहिए। होप कि वो नए अपडेट में सारे सामान लाते रहें। ये दो चीज़ें मेन थी। कॉल्स में भी आप कैसे कर सकते हैं, कॉल्स में तो आपका डिफ़ॉल्ट मी फिट ऐप में ही होता है, ये सारा आपका वो है, ये सब मी फिट से उठाता है, तो आप में मी फिट होना भी ज़रूरी है। तो बस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगे, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बच्चा खुश हो जाएगा यार।